फ्रेंड्स, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि हम आज कर रहे हैं ब्रेलर्स के लिए स्प्रे का सेवन, तो इस वीडियो में हम यही आपको बताने जा रहे हैं कि जो ब्रेलर्स के लिए स्प्रे शेड्यूल होता है उसके लिए हम कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं हम अपने अलाइव बर्ड के साथ। और साथ ही फ्रेंड्स बात करेंगे कि कौन सा डिसइंफेक्टेंट सबसे अच्छा होता है और किस दिन से जो आपको स्प्रे शेड्यूल है वो स्टार्ट करना होता है, और इसकी जो है ब्रॉयलर पोल्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी भूमिका रहती है। तो ये सभी जानकारी फ्रेंड्स हम आपको है जो इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं अपने बारे बता दूं कि मैं हूं सन्नी होशियारपुर पंजाब से और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल सन्नी पोल्ट्री। फ्रेंड्स, जब भी आप स्प्रे शेड्यूल के लिए किसी भी डिसइंफेक्टेंट का यूज़ कर रहे हो अपने अलाइव बर्ड्स के लिए, तो जो भी आप डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी डोज को आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होती है, क्योंकि जो आप डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं यदि उसका उसकी जो डोज है वो ज़्यादा उसका छिड़काव हो जाता है आपके फार्म पर, तो इससे आपके बर्ड पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं और आपको जो है लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसलिए जो है डिसइंफेक्टेंट की जो मात्रा है उस पर आपको ज़रूर फोकस करना पड़ेगा। और साथ ही फ्रेंड, जब भी आप डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव कर रहे हो तो जिस स्प्रे पंप से आप ये छिड़काव कर रहे हो उसकी जो नोज़ल है उसका जो आपको फोकस रखना होता है वो बर्ड्स के लीटर पर होना चाहिए, उनके बिछावन पर होना चाहिए, आपको ये जो स्प्रे है बर्ड्स के ऊपर नहीं करनी होती है। तो ज़्यादा फोकस आपको जो है इनकी लीटर शेड की जो दीवारें हैं और जो भी उसके पिल्लर है उस पर ही आपका होना चाहिए। और ये थोड़ी बहुत ही छिड़काव आपके बर्ड्स पर हो सकता है, ये ज़्यादा कोई ये सिरदर्दी वाली बात नहीं है। और आपके जो है बर्ड कुछ टाइम के लिए उनकी जो आँख और नाक में जो है इचिंग की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है जो कि नॉर्मल होती है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि हमें जो है डिसइंफेक्टेंट को अलाइव बर्ड के लिए यूज़ करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो फ्रेंड्स इसके बहुत से कारण हैं। तो पहला है कि आपके शेड में जो जब बैड बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ने लगता है तो यदि आप डिसइंफेक्टेंट का सेवन करते हैं तो ये आपके शेड में जो बैड बैक्टीरिया है उसको पनपने नहीं देता, क्योंकि यदि बैड बैक्टीरियल ज़्यादा तेज़ी से पनपने लगता है आपके फार्म पर तो ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जैसे CRD जैसी बीमारियों को आपके शेड में दावत देता है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके जो छिड़काव से आपके शेड से जो है मक्खी मच्छर है वो दूर रहते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मक्खियां भी बहुत सी जो पोल्ट्री की डिजीज है उसके लिए जिम्मेवार होती है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स आपने कई बार जब लीटर की जो रैकिंग कर रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि इसके जो नीचे है वो कीटे यानी कि कीड़े मकोड़े बहुत से पनपने लगते हैं, तो ये कीड़े मकोड़ों को भी नष्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो जब भी आप डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव कर रहे हो तो आप अपने शेड के चारों तरफ भी इसका छिड़काव ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा डिसइंफेक्टेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आप बायोबस्टर का सेवन कर सकते हैं। तो यदि फ्रेंड बायोबस्टर की मैं डोज की बात करूं तो ये पाउडर है वो आप 5 ग्राम पानी। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि आप कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट का सेवन कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप बायोबस्टर है उसका सेवन कर सकते हैं और फार्मोलिन है उसका सेवन कर सकते हैं। तो बायोबस्टर की यदि डोज की बात करूँ तो फ्रेंड्स आप 5 ग्राम जो है बायोबस्टर को 1 लीटर पानी में मिक्स कर 125 स्क्वायर फीट एरिया में इसका सेवन कर सकते हैं। यदि आपकी शेड की कैपेसिटी ज़्यादा है तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करके इसका सेवन कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ फ्रेंड यदि मैं बात करूँ फार्मोलिन की तो फार्मोलिन का ही सेवन मैं अपने बैच के लिए कर रहा हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप 4 लीटर पानी में जो है 40 ml फार्मोलिन को मिक्स कर 1000 स्क्वायर फीट एरिया में इसका जो है छिड़काव कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो किस एज से ये जो है स्प्रे करनी स्टार्ट हमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ब्रेलर्स की 30-35 दिन के लाइफ साइकिल में आप 2 से लेकर 3 स्प्रे कर सकते हैं। तो जो ये जो पहली स्प्रे है वो आप जब आपका ब्रेलर 10 दिन का हो जाता है तब कर सकते हैं, उसके बाद जब 20 दिन का हो जाता है आप सेकंड कर सकते हैं, और जब
तीसरी स्प्रे है, जब 30 दिन का आपका बर्ड हो जाता है तो आप यही डोज है वो रिपीट कर अपने शेड में ये स्प्रे कर सकते हैं।